हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं गुलबर्गा शरीफ, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए। तो गाइस, ये कृष्णा रिवर हम पहुंच गए हैं गुलबर्गा शरीफ को। आप तो देख सकते हो गुम्बद दिख रही है बंदा नवाज की, जो हम अंदर जाएंगे दरगाह में आपको पूरा दिखाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अंदर चलते हैं, चलिए। हम अंदर पहुंच चुके हैं, तो आपको अंदर दिखा व्यू दिखा दें, चलिए। तो थोड़ा बहुत हजरत का जहाज का सामान भी इधर रखा हुआ है, तो आप ज़ियारत कीजिए। तो ये हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के पर पुत्र हजरत नदीमुल्ला हुसैनी की बारगाह है। चंद मज़ारात हैं, आप ज़ियारत कीजिए, ये हजरत के ख़ानदान में से ही हैं। ये हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के फ़र्जंद की दरगाह शरीफ है। ये वाक़िया आपने ज़रूर सुना होगा कि ये चोर के पाँव के निशान है यहाँ दरगाह शरीफ में, ये चोर की मज़ार है। तो यहाँ जब ये चोर चोरी करने आया तो ये चैन खींचे तो वो थाला ऊपर चल के अटक गया। एक तोते की मज़ार भी है, जो कुरान हाफिज था, जो ख्वाजा बंदा नवाज के पास रहा करता था।
हुए हैं, तो हम अब आपको शाम को मिलेंगे इंशाल्लाह। झेले वगैरह चलाएंगे तो देखेंगे आप, तो चल रही दिख रही है, तो इंशाल्लाह शाम को हम आपस चले। यहाँ से झेले का आगाज हो चुका है, तो आप मुलाहिजा कीजिए। हमें यहाँ ख्वाजा बंदा नवाज़ की दरगाह में हज़रत मौलाना ख़ौरी रिजवान ख़ान साहब मिल गए और उनसे मुलाकात भी हुई माशाअल्लाह। तो यहाँ दरगाह शरीफ में झेले की रस्म शुरू हो गई, तो आप ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you.
ख्वाजा बंदा नवाज गेजू तराज के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली साहब आ चुके हैं। तो यहाँ चार लोग ऊपर चढ़ रहे हैं गुम्बद के और ऊपर जाके झेले की रस्म पूरी करेंगे। Thank you.
तो ये लोग ऊपर झेले चढ़ाने के बाद नीचे उतर रहे हैं। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।